गाइस ये तब तक घूमता रहेगा, तब तक ये कैंडल जलती रहेगी। Hey, what's up guys? Welcome to EWX। और भाई दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पेपर स्नेक स्पिनर। गाइस ये जो पेपर है अपने आप ही स्पिन मतलब घूमता रहेगा, अपने आप ही राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा। तो भाई इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पेपर की, कोई भी फालतू पेपर, कोई भी गड़बड़ पड़ा हो। देख सकते हैं इसके ऊपर जो है फिजिक्स का सवाल हो रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि समय हमेशा धनात्मक होता है। अब इसे अपनी लैंग्वेज में बोले तो अपना टाइम आएगा। गाइस अपना भी टाइम आएगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही अपना टाइम आएगा, वरना अपना टाइम कभी नहीं आने वाला। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी भी दबा लेना, अपना भी समय धनात्मक हो जाएगा, समझ रहे ना। तो भाई आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर लेने के बाद इसके ऊपर जलेबियां बनानी है खाने वाली जलेबियां। गाइस वैसे तो जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन आपको जलेबी जो है सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से, इस तरीके से टेढ़ी होगी कोई बात नहीं, ये ज्यादा बड़ी होगी। हाँ अरे यार बहुत है, बढ़िया है, मस्त। इसी को काट लेना, काफी सारी जलेबियां काट काट के रखा गई है यार। ये रही इस तरीके से, एक हिस्से देख रही ये रही, ये वाली मैंने अभी काटी है थोड़ी देर पहले। गाइस आपको इस तरीके से इस जलेबी को काट कर बाहर निकाल लेना है, इस तरीके से देख रहे हैं ना। और गाइस अब जो है हमारी जलेबी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो गाइस इस जलेबी के साथ आपको करना है जलेबी भाई, नहीं नहीं जलेबी भाई नहीं करना है और ना ही इसे मतलब खाने लायक तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना होगा ऐसा एक पेन। गाइस उस पेन में नोक होनी चाहिए, अगर बिना नोक वाला लोगे तो आपकी जलेबी नहीं घूमेगी, मतलब इसने मतलब सांप बन गया ना, तो अब जलेबी कहाँ है, सांप बन गया। और भाई दोस्तों एक ऐसी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, हमने क्या किया है एक कांच का गिलास लिया है, उसके अंदर जो है नमक भर दिया है। गाइस ये वही वाला नमक है जिसमें वो लड़की कपड़े फाड़ कर बोलती क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप भी बताना कमेंट में आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। तो हमें क्या करना है इस पेन को इसके अंदर, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर जो है कैंडल लगी हुई है, आप देख सकते हैं बराबर साइड में एक कैंडल लगी हुई है और ये जो होल बना हुआ है इस होल के अंदर इस पेन को इस तरीके से लगा देना है। गाइस आधा सिस्टम रेडी है बिल्कुल। और गाइस थोड़ा सा मुश्किल काम है, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस चीज को इसके ऊपर टिकाना है बस इस तरीके से, और ये टिक गई। हाँ सही टिक गया गाइस, बिल्कुल एकदम परफेक्ट टिक चुकी है इसका। और ये देखिए ये मेरी आवाज से ही मतलब जो मेरे मुंह से बोलते समय जो है हवा निकलती है ना उससे ही जो है स्पिन कर रही है, इसका मतलब ये प्रॉपर सही वर्क करेगी। और गाइस आपको क्या करना है बस इस कैंडल को जला देना है और उसके बाद देखना धमाल। अब दोस्तों बस इस कैंडल को जलाना है और देखना आपका जो इसने एक जलेबी जो भी बोलना चाहे वो जो है स्पिन करने लगेगा। गाइस देख सकते हैं स्पिन होना तो स्टार्ट हो ही गया है, और ये देखिए धमाल है ना गाइस, कमाल है यार, ये देखिए किस तरीके से स्पिन कर रहा है यार, मस्त गजब। और गाइस ये तब तक घूमता रहेगा, तब तक ये कैंडल जलती रहेगी। आप सोच रहे हैं ना अगर आप रात में इस कैंडल को जलाकर रख देते तो ये पूरी रात घूमता ही रहेगा, समझ रहे ना, बहुत ही कमाल की चीज है यार। आप इसे सजावट के तौर पर भी यूज कर सकते हो और इसमें जो है एक साइंस झलकती है, आप मतलब एक इंटेलिजेंट लगते हो जब आपके घर में कोई ऐसी चीज आप खुद बनाते हुए दिखाई देते हो। गाइस इसमें एक छोटी सी साइंस है, वो ये है कि कैंडल से जो है बर्न होने वाली गैस है वो जलने के बाद इतनी हल्की होती है कि वो ऊपर की तरफ जाती है। गाइस कभी भी आपने कैंडल को बुझाया होगा तो उससे जो धुआं निकलता है यानी कि जो स्मोक निकलती है वो ऊपर की तरफ जाती है, आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है। और गाइस इससे भी जो है गैसेस, अरे बस यही चीज मत करना, मैंने जैसे ही यूं किया वो उसके ऊपर से गिर गई और उसके बाद जो है जल गई। तो भाई आपको इसके अंदर उंगली नहीं करनी है ध्यान रहे, वो बेचारी घूम रही है उसे चुपचाप घूमने दें उसमें उंगली करने की कोशिश ना करें। तो भाई दोस्तों पेपर स्पिनर कैसा लगा, मतलब पेपर स्नेक स्पिनर मतलब गाइस ये ऐसा सांप है घूमता ही रहेगा। और गाइस इस ये मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बहुत ही कमाल का लगता है यार, जब आप रियलिटी में देख दो ना तब कुछ अलग लगता है और मतलब कैमरे में वीडियो के अंदर देख रहे हो तो कुछ ऐसा ही लगता है नॉर्मल सा। तो अपने आप बनाने में कुछ अलग ही फीलिंग आती है, समझ रहे ना, तो आप बनाकर एक बार जरूर देखना। बाकी हमारी ये जो वीडियो है वो आई हो आपको पसंद तो लाइक मार दो यार और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी को
जरूर दबा लेना। और जिन्होंने दबा लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।